वेलकम यू ऑल टू अर वेकनिंग क्लासेज एम सी क्यू सीरीज के थ्रू हम जनरल साइंस समझने की कोशिश कर रहे थे आज का टॉपिक है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एम सी क्यूज लगाएंगे ऑप्शन दे के मेटल एंड नॉन मेटल को फुल्ली प्रिपेयर करेंगे तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू ड्रॉ इन टू थिन वायरस इज नोन एज मेटल की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम मेटल को पतली से पतली वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या वो मेलियबिलिटी है डकटिलिटी है सोनरस है या मेटालिक लस्टर है है ठीक है? पहले मैं आपको बता दूं ये सारी ही मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं ठीक है इसका आंसर आंसर है इस क्वेश्चन का answer है डक्टिलिटी डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिसके थ्रू मेटल को हम पतली से पतली वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं देखो जैसे अब गोल्ड है अब गोल्ड को आप कितनी पतली सी चेन बना देते हो उसकी इसका मतलब गोल्ड डकटाइल है तो गोल्ड ही मोस्ट डकटाइल माना जाता है तो इस यही गोल्ड एक मेटल है तो ये मेटल की एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू तो हम उसको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अब आपने देखा होगा मेटल की शीट्स भी बन जाती है वो जो मेटल की शीट्स बनाने वाली प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं हम मेलियबिलिटी जिसके थ्रू तो हम मेटल को शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अब आपको पता है मेटल जो है वो साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं आपके आपने स्कूल में बेल की आवाज सुनी होगी तो जब भी किसी मेटल को आवाज मेटल को हिट करोगे आप तो वहां से एक साउंड प्रोड्यूस होती है डेट इज सोनरस ये उसकी एक प्रॉपर्टी है मेटेलिक लस्टर मेटल में एक चमक भी होती है आपको पता है तो ये प्रॉपर्टी जो होती है मेटल की इसको बोलते हैं मेटालिक लस्टर उसके साथ और भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे मेटल हार्ड होते हैं जबकि नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं मेटल का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ठीक है हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये भी कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं ठीक है इन सबकी उल्टी प्रॉपर्टीज किन की होती है नॉन मेटल की बट मेटल Metal में मेटालिक लस्टर होता है नॉन मेटल में नहीं होता बट एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें लस्टर वाली प्रॉपर्टी होती है वो कौन सा है आयोडीन आपने ये याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है है ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन ठीक है यहाँ पर आएगा ऑफ कार्बन इनमें से कौन सा एलोट्रोप नहीं है कार्बन का अब एलोट्रोप होता क्या है देखो एलोट्रोप होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होना सेम कार्बन से बना हुआ है बट प्रॉपर्टीज अलग अलग है ठीक है तो इनमें से कौन सा कार्बन का एलोट्रोप नहीं है क्या वो डायमंड है ठीक है ग्रेफाइट है फ्लोरेंस है या आयोडीन है तो इसका आंसर है आयोडीन आयोडीन तो अलग ही नॉन मेटल है तो एक एलिमेंट है तो ये कार्बन का एलोट्रॉप नहीं है कार्बन के ये तीन मेन एलोट्रॉप होते हैं डायमंड ग्रेफाइट और फ्लोरेंस मैं इसलिए ये क्वेश्चन डाला है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नॉन सबस्टांस है सबसे हार्ड अगर कोई चीज मानी जाती है तो वो किसको माना जाता है डायमंड को अब देखो ग्रेफाइट जो है ये किससे बना हुआ है एलोट्रोप किसका है कार्बन का कार्बन तो एक नॉन मेटल है बट ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरली क्या होता है कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के या हीट के आप आज तक कभी ऐसा किया आपने कि आप लोहे की रॉड लेके इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने चले गए हो कभी आपने वो इलेक्ट्रिशियन को देखा कि वो लोहे की रॉड लेकर बिजली की तारें ठीक कर रहा हो नहीं वो वुड का यूज करता है क्यों वुड का यूज करता है या प्लास्टिक का यूज करता है क्योंकि ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं ये कंडक्ट नहीं करते जबकि लोहा एक मेटल है वो कंडक्ट करता है बट ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तो आपको ये पता होना चाहिए तो ग्रेफाइट क्या है एलोट्रॉप ऑफ कार्बन और ये एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ठीक है थर्ड क्वेश्चन इज एक्वा रीजिया इज मिक्सचर ऑफ मिक्सचर है मतलब किन दो की है? वो HCL और सल्फ्यूरिक एसिड की है एच सी एल और एच एनओ थ्री की है या एच सी एल और एन ए सी एल की है इसका आंसर है एच सी एल और एच एनओ थ्री देखो जो एक्वारीजिया होता है ना वो बेसिकली एच सी एल और एच थ्री की मिक्सचर है अब इसको पढ़ना क्यों जरूरी है देखो एक्वारिजिया एक ऐसी मिक्सचर है जिसको हम यूज करते हैं टू डिजोल्व फ्री एलिमेंट्स जैसे कुछ मेटल्स जैसे मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड और प्लेटिनम वगैरह ये किसी चीज में भी डिजोल्व नहीं होते हैं ये किसी चीज में भी डिजोल्व नहीं होते हैं। बट हम इनको एक्वारिजिया जो मिक्सचर हम बनाते हैं एच सी एल और एच एन ओ थी उसमें डिजोल्व कर सकते हैं इसलिए पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्वारिजिया किस चीज की मिक्सचर होती है और इसका यूज क्या है इसको हम यूज करते हैं टू डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट रिएगा क्या वो कैलशियम करेगा या पोटेशियम करेगा या सोडियम करेगा तो इन चारों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है वो होता है पोटेशियम ठीक है अब आपको ना इसका थोड़ा एक टेबल एक याद रखना है थोड़ा बहुत कुछ आपको टेबल्स याद रखना तभी आपको पूछा जाएगा इनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन है और आप कर सकते ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैंने लाया देखो सबसे ऊपर आ जाता है पोटेशियम पोटेशियम मेटल्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेकेंड नंबर पर आ जाता है सोडियम ठीक है उसके बाद सोडियम आ गया उसके बाद आ जाता है हमारा कैल्शियम ठीक है कैल्शियम उसके बाद आ जाता है देन मैग्नीशियम मैग्नीशियम देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास अल्मीनियम अल्मीनियम देन आ जाता है हमारे पास जिंक जिंक उसके बाद आयरन आ जाता है जिंक के बाद आयरन आयरन का सिंबल भी आपको याद रखना है एफ ई एफ ई सिंबल क्यों होता है क्योंकि ये वर्ड फेरम से लिया गया है इसलिए इसका नाम सिंबल हम एफ ई यूज़ करते हैं तो थोड़ा बहुत सिंबल भी आपको पता होना चाहिए तो इतने आपको मेनली पता होने चाहिए कि ये इनके इसके बाद भी बहुत सारे मेटल्स को हम कर सकते हैं बट टॉप आपको ये पता होना चाहिए कि इन सब में अगर पूछा जाए कौन रिएक्टिव है तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए सबसे पहले पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एलुमिनियम जिंक और आयरन ठीक है

फायर वर्कस होते हैं मतलब जो हमारे पास पटाखे वगैरह होते हैं उनमें जो ग्रीन कलर होता है ना बेसिकली ग्रीन कलर वो किसकी वजह से होता है बेरियम की वजह से होता है ये आपने याद रखना है ग्रीन कलर इन फायर को किसकी वजह से होता है बेरियम की वजह से होता है अब टाइटेनियम की एक खासियत है टाइटेनियम एक मेटल है इसको स्ट्रेटेजिक मेटल कहते हैं ठीक है स्ट्रेटेजिक मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आयरन से लाइट है जहां पर हम आयरन को यूज नहीं कर सकते ये उसकी जगह ये यूज़ किया जा सकता है इसीलिए तो आता है, ऐसे पूछा जाता है तो में बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है विच इज मेटल सबसे भारी मेटल कौन सा है तो वो ऑस्मियम है आपने याद रखना है। इसको हैविएस्ट मेटल भी कहते हैं अगर आपको पूछा जाए विच इज द हार्डेस्ट मेटल देखो एक तो मैंने आपको बताया हार्डेस्ट नॉन सबस्टांच इस यूनिवर्स में सबसे हार्ड चीज कौन सी पाई जाती है डेट इज डायमंड हम देख चुके बट हार्डेस्ट मेटल कौन है मेटल सबसे हार्ड कौन सा होता है ये या आपने याद रखना है प्लेटिनम ठीक है प्लेटिनम सबसे हार्ड मेटल है इसकी इसी क्वालिटी की वजह से एक तो ये रेयर भी है ये कितना बहुत महंगा होता है ठीक है नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने उठाया इनमें से कौन सा मेटल जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन बोला जाता है उसको कास्ट आयरन रॉट आयरन ग्रे कास्ट आयरन या वाइट कास्ट आयरन तो इसमें रोट आयरन जो है इसमें नाइनटी फाइव परसेंट से अबव ही आयरन कंटेंट होता है इसलिए इसको सबसे प्योर फॉर्म ऑफ आयरन माना जाता है ठीक है तो ये या आपको याद रखना विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन इट्स ओरिजिनल स्टेट इनमें से कौन सा मेटल ओरिजिनल स्टेट में एग्जिस्ट करता है देखो अब ये जो मेटल्स होते हैं ना ये अर्थ के अंदर ओरिजिनल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता ये या तो किसी सल्फर के साथ रिएक्ट हुए मिलते हैं हमें जैसे आयरन है

नहीं मिलता है इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो हमने ये बताया इनमें से कौन सा इंडिविजुअली मतलब ओरिजिनल स्टेट में एग्जिस्ट करता है क्या वो कॉपर है प्लेटिनम है आयरन है या पोटेशियम है तो इसका आंसर है बेसिकली प्लेटिनम देखो प्लेटिनम एक फ्री एलिमेंट है जैसे प्लेटिनम हो गया गोल्ड हो गया वो इतना ज्यादा किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते ठीक है और इसलिए प्लेटिनम जो है वो ओरिजिनल स्टेट में अपनी एग्जिस्ट करता है कॉपर नहीं करता है ये कॉपर पायराइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कॉपर ग्लैंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये डिफरेंट ओर्स है इसके ऊपर भी मैं एक लेक्चर लाऊंगा आयरन जो है मैंने आपको बता दिया जैसे एफ की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा एफ की फॉर्म में एग्जिस्ट भी कर सकता है एफ आप याद रखना आयरन पायराइड इसमें पेपर में एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि विच इज नोन एज फूल्स गोल्ड

लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेच जितना है एक्सपोज करो 25-26 डिग्री सेल्सियस टेपरेचर उसमें अगर आप मरकरी को रखोगे ना मरकरी कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा लिक्विड मतलब सॉलिड नहीं है मेटल मोस्टली सॉलिड होते हैं बट मरकरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में इसी तरह जो ब्रोमीन एक नॉन मेटल है ना वो भी लिक्विड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर ब्रोमीन नॉन मेटल है और वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर मरकरी मेटल है और लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर ये आपको पता होना चाहिए अब ये मैंने आपको बताया बता, बता दिया कि आयोडीन बेशक एक नॉन मेटल है बट इसमें लस्टर्स प्रॉपर्टी लस्टर्स होता है चमक है इसमें नॉन मेटल्स में यूजुअली चमक होती नहीं बट आयोडीन में है अब एल्किली मेटल जो होते हैं सॉफ्ट मेटल होते हैं एल्कली मेटल कौन से होते हैं देखो एल्ली मेटल ये होते हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम फ्रेंशियम भी होते हैं बट हमें ये तीन लेने ऊपर वाले लिथियम सोडियम और पोटेशियम लिथियम का सिंबल एल आई सोडियम का एन ए और पोटेशियम का के ये तीनों जो है ना इनको बोलते हैं सॉफ्ट मेटल तो ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको नाइफ की हेल्प से भी काट सकते हो ठीक है नाइफ की हेल्प से इनको काट भी सकते हो इतने सॉफ्ट मेटल्स होते हैं आप इनको ये याद रखना है आपने ठीक है अब ये दो ऐसे मेटल्स हैं गेलियम और सीजियम इनका बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट है बहुत जल्दी पिघल जाते हैं आप इनको हाथ में भी रखोगे ना ये पिघल जाएंगे तो आपने ये याद रखना है गेलियम और सीजियम का बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है ठीक है अब हम देखते हैं एलोयस अब कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपने याद रखने कि क्या होता है बेसिकली देखो हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स को आपस में कंबाइन करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज चेंज करने के लिए ठीक है उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर जैसे देखो आयरन जो है ना आयरन जो है उसकी प्रॉपर्टीज जो है इतनी अच्छी नहीं होती वो बहुत जल्दी करोजी मतलब उस पर रस्ट लग जाता है वो खराब हो जाता है बट आयरन का हम एलॉय बना देते हैं स्टील आपके स्टील सुना होगा ना स्टील के बर्तन है स्टील की शीट्स आती हैं जो छतों में भी लोग डालते हैं तो स्टील बना देते हैं स्टील क्या है आयरन का एक, एक एलोय है ठीक है एलॉय बनाने से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है तो एलॉय क्या होता है बेसिकली दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिक्स करके हम उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं उसको ज्यादा एडवांस बनाने के लिए तो अब पेपर में कई बार पूछा जाता है कि कुछ ऐसे एलोय है आप बताओ वो किस किस से बने हुए हैं जैसे ब्रास ब्रास जो है वो किस किस से बना हुआ है वो कॉपर और जिंक से बना हुआ है सी यू कॉपर लेड एंड जिंक से बना हुआ ये आपको याद रखना है ब्रोंज्ज जो है आपने सुना है है तो जो ये एक अलॉय है बेसिकली कोई मेटल नहीं एलिमेंट नहीं है ये अलॉय है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बना हुआ है ये किससे बना हुआ है कॉपर और टीन से उसी तरह सोल्डर पूछ लिया जाता है वो किससे बना हुआ है लेड और टीन से आपको ये याद रखना है अब देखो अब जैसे आयरन को रंग जब जंग लग जाता है हम उस प्रोसेस को बोलते हैं ना रस्टिंग रस्टिंग करोजन की वजह से आयरन को जंग लग जाता है आयरन में रेडिश कलर आ जाता है उसी तरह जब सिल्वर में करोजन होता है अगर कोई आपके पास सिल्वर की चेन आप देखना अगर उसमें करोजन हो जाए तो उसमें कौन से कलर की कोटिंग आ जाती है ब्लैक कलर की और कॉपर में अगर क्रोजन हो जाए उसमें कौन से कलर की कोटिंग आ जाती है उसमें ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है ठीक है ये कुछ आपने कोटिंग के रिलेटेड भी देख लिया बस इतना ही था आज एक और चीज मैं आपको बता दूं एक पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिफिशियल रेन किसकी वजह से होती है बारिश भगवान करवाते हैं आपने सुना है अगर आप नहीं समझते हो अगर ज्योग्राफी समझते हो तो आपको पता होगा प्रेसिपिटेशन की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होती है तो बारिश होती है ठीक है बट अगर आपको आर्टिफिशियल रेन करवानी हो मतलब उस टाइम बारिश का कोई आसार नहीं है बट आपको बारिश करवानी है तो आप किसका यूज करोगे हम यूज करते हैं सिल्वर आयोडाइड का ठीक है सिल्वर आयोडाइड का मतलब सिल्वर और आयोडीन के कॉम्बिनेशन से सिल्वर आयोडाइड बनता है और इसकी हेल्प से हम आर्टिफिशियल मतलब बारिश का मौसम नहीं है तब भी बारिश करवा सकते हैं बेसिकली होता है हम क्या करते हैं सिल्वर आयोडीन को क्लाउड्स के ऊपर इनको छिड़काव करते हैं विद द हेल्प ऑफ एरोप्लेन और लाइक डेट जैसे अभी वेस्ट एशिया में अगर हम बात करें सऊदी अरब वगैरह में यूएई में ये किया गया था और वहां पर क्लाउड्स के ऊपर जब सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है ना तो वहां पर बारिश होना शुरू हो जाती है तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाती है तो इसलिए पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए किसका यूज किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का ठीक है ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर अभी भी मेटल्स नॉन मेटल में बहुत कुछ है एक आधी वीडियो और भी आएगी क्योंकि अभी हमने मिनरल्स को इसमें इंक्लूड नहीं करा है तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उसको ज्वाइन करें वहाँ पर पीडीएफ शेयर हो जाएगी टॉपिक के रिलेटेड प्लस डेली क्विज भी होता है हमारा नौ बजे तो आप उसको ज्वाइन करें और जनरल साइंस की एमसीक्यू सीरीज चल रही है कंप्यूटर के एमसीक्यू सीरीज चल रही है पोलिटिकल लेक्चर हिस्ट्री के वी के बैचेज चल रहे हैं फाइनेंस अकाउंट सब भी फ्री है आप चैनल में जाएँ प्ले को वॉच करें और अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग अपने लेक्चर्स को वॉच करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग